हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हमारा 75 डेज हार्ड चैलेंज का थर्ड दिन है और आज हम जावा का एक नया प्रोग्राम सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न। हम जावा में इस पैटर्न को प्रिंट करने के लिए प्रोग्राम लिखेंगे। ओके, सो लेट स्टार्ट। सबसे पहले हम एक क्लास बनाएंगे। यहाँ पे हमने एक पैटर्न नाम का क्लास बना लिया। अब हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे। हमें यहाँ पे बस दो ही वेरिएबल्स चाहिए जो कि दोनों लूप्स के वेरिएबल, क्योंकि हम इस प्रोग्राम को नेस्टेड लूप से सॉल्व करेंगे। ओके, सो हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिया आई और जी। ठीक है, अब हम फॉर लूप शुरू करते हैं। फॉर सबसे पहले आई हम आउटर लूप में लिखेंगे और इसे इनिशियलाइज करेंगे हम वन के साथ, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले पैटर्न में वन प्रिंट हो रहा है। राइट, वन से इनिशियलाइज कर दिया। और लास्ट डिजिट क्या है जो प्रिंट हो रहा है? नाइन है ना। ओके, सो हम आउटर लूप को रन करवाते हैं। आई इज लेस देन इक्वल टू नाइन। ठीक है, और आई को इंक्रीमेंट करेंगे हम वन के साथ, नहीं टू के साथ। आई इज इक्वल टू आई प्लस टू, क्योंकि देखो यहाँ पे ध्यान से हमेशा दो दो नंबर करके भर रहा है। वन के बाद सीधा थ्री, मतलब टू प्लस होके प्रिंट हुआ है। फिर थ्री के बाद सीधा फाइव, फाइव के बाद सीधा सेवन, सेवन के बाद सीधा नाइन। इसलिए हम यहाँ पे इंक्रीमेंट किए हैं आई को टू के साथ। ठीक है, ये हुआ हमारा आउटर लूप। अब हम इनर लूप लिखते हैं। फॉर जे को इनिशियलाइज करते हैं वन के साथ, जे इज लेस देन इक्वल टू आई करते हैं, फिर जे का जे को भी हम इंक्रीमेंट करेंगे टू के साथ। ओके, अब हम प्रिंट करते हैं सिस्टम। यहां पे हम प्रिंट करेंगे जे को और ये हम स्पेस देने के लिए लिख देते हैं। ओके, प्रिंट लाइन नहीं लिखेंगे, प्रिंट लिखेंगे। यहां पे देखो एक ही लाइन में प्रिंट हो रहा है। ओके, ये हुआ हमारा इनर लूप का पार्ट। अब हम आउटर लूप में प्रिंट लाइन वाला स्टेटमेंट लिखेंगे ताकि हमारा जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन में चला जाए। प्रिंट लाइन इसके अंदर कुछ नहीं लिखना है, बस सिंपली नेक्स्ट लाइन में जंप करने के लिए। ठीक है, और ये हुआ हमारा आउटर लूप भी खत्म और हमारा प्रोग्राम भी इसके साथ हुआ खत्म। सो अब हम इसे ड्राई रन करके देख लेते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो कैसे आएगा। सबसे पहले यहाँ पे आई की वैल्यू वन है। ओके, यहाँ पे सबसे पहले आउटर लूप में कंडीशन चेक होगा आई इज लेस देन इक्वल टू नाइन है या नहीं। जो आई है वो लेस देन नाइन है, जो कंडीशन है वो ट्रू है, तो लूप के अंदर जाएगा। फिर से यहाँ पे इनर लूप की कंडीशन जो है वो चेक होगी। जे इज इक्वल टू वन, जे इज लेस देन इक्वल टू आई, आई की वैल्यू क्या है वन, तो जे इज लेस देन इक्वल टू वन। ठीक है, जो कंडीशन है वो चेक हुआ, कंडीशन जो है वो ट्रू है। जे इज इक्वल टू वन, जे इज लेस देन इक्वल टू वन, ठीक है, कंडीशन जो है ट्रू है, तो इनर लूप के अंदर जाएगा और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, यानी जे प्रिंट हो जाएगा। जे की वैल्यू क्या है वन, तो यहाँ प्रिंट हो गया वन। ओके, ठीक है, फिर से यहाँ पे जे की वैल्यू बढ़ेगी। जे की वैल्यू कितने टाइम्स बढ़ेगी? जे की वैल्यू पहले थी वन थी, जे इज इक्वल टू जे प्लस टू, यानी जे की वैल्यू हो जाएगी बढ़ के थ्री, वन प्लस टू यानी थ्री हो जाएगी। ठीक है, थ्री होने के बाद फिर से यहाँ पे जो कंडीशन है वो चेक होगा, आई जे इज लेस देन इक्वल टू वन है या नहीं, जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि थ्री जो है वन से बड़ा होता है ना। अच्छा, तो ये जो हुआ हमारा कंडीशन फॉल्स हो गया, तो हमारा इनर लूप जो है वो टर्मिनेट हो गया। ठीक है, ये इनर लूप खत्म हुआ। अब ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, क्या होगा? प्रिंट लेन, यानी कर्सर जो है हमारा नेक्स्ट लाइन में गया, कुछ भी प्रिंट नहीं करना है, इसलिए सिंपली नेक्स्ट लाइन में चला गया, यहां से प्रिंट होगा। ठीक है, यहाँ कुछ प्रिंट नहीं हुआ, बस कर्सर है। ओके, अब यहाँ पे आई की वैल्यू बढ़ेगी, आई की वैल्यू लास्ट टाइम वैल्यू थी वन, ठीक है, अब हो जाएगा आई प्लस टू, यानी इसे हो जाएगी थ्री, है ना। ओके, फिर से यहाँ पे कंडीशन जो है वो चेक होगा, आई इज लेस देन इक्वल टू नाइन है, यानी जो कंडीशन है वो ट्रू है, तो ये लूप के अंदर जाएगा और फिर से यहाँ पे इनर लूप की कंडीशन चेक होगी, यानी जे इज इक्वल टू वन, जे इज लेस देन इक्वल टू आई, आई की वैल्यू क्या हो गई अभी थ्री, तो यहाँ पे हो जाएगा कंडीशन में थ्री इनर लूप वाले में। ठीक है, सबसे पहले कंडीशन चेक होगा जे इज इक्वल टू वन, जे इज लेस देन इक्वल टू थ्री है, यानी जो कंडीशन है वो ट्रू है, तो फिर से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, यानी जे फिर से प्रिंट होगा। जे की वैल्यू है अभी वन, वन प्रिंट हो गया। ठीक है, फिर से जे की वैल्यू बढ़ेगी, यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, जे इज इक्वल टू जे प्लस टू, यानी जे की वैल्यू बढ़ के हो गई थ्री, है ना, वन प्लस टू थ्री हो गया जे की वैल्यू। अब फिर से कंडीशन जो वो चेक होगा, जे इज लेस देन इक्वल टू थ्री है, यानी जो कंडीशन है वो ट्रू है, थ्री थ्री के बराबर है, तो कंडीशन जो ट्रू है, तो फिर से इनर लूप के अंदर और वाला स्टेटमेंट फिर एग्जीक्यूट हो, यानी फिर से यहाँ पे थ्री प्रिंट हो गया। ठीक है, फिर से यहाँ पे जे की वैल्यू बढ़ेगी, इस बार बढ़ के हो जाएगी फाइव, थ्री प्लस टू फाइव। ठीक है, तो फिर जो कंडीशन है वो चेक होगा, जो कंडीशन है इस बार फॉल्स है, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ, हमारा इनर लूप फिर टर्मिनेट हुआ, फिर से ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, यानी ये फिर से नेक्स्ट टाइम चला गया, हमारा आउटपुट फिर यहाँ से आएगा। फिर से यहाँ पे आई की वैल्यू बढ़ेगी, आई की लास्ट टाइम वैल्यू थी थ्री, फिर थ्री में टू प्लस होगा, यानी आई की वैल्यू होगी इस बार फाइव। ठीक है, जब वैल्यू फाइव हो गई तो फिर से जो कंडीशन है वो चेक होगा, आई इज लेस देन इक्वल टू नाइन है या नहीं, जो कंडीशन है ट्रू है, फाइव नाइन से छोटा है तो कंडीशन ट्रू है, तो लूप के अंदर गया और फिर से यहाँ पे इनर लूप की कंडीशन जो चेक होगी, जे इज इक्वल टू वन, जे इज लेस देन इक्वल टू आई, आई की प्रेजेंट वैल्यू है फाइव, तो जे इज लेस देन इक्वल टू फाइव हो गया,
ठीक है, तो फॉर द फर्स्ट टाइम जो कंडीशन है वो ट्रू है, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, जे प्रिंट होगा यानी वन प्रिंट हो गया। फिर से जे की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी थ्री। फिर जो कंडीशन है वो चेक होगा, कंडीशन जो है अभी भी ट्रू है, जे इज लेस देन इक्वल टू फाइव है, तो फिर थ्री प्रिंट हो गया। फिर जे की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी फाइव, तो कंडीशन फिर चेक होगा, फाइव इज लेस देन इक्वल टू फाइव है यानी कंडीशन जो ट्रू है, तो यहाँ पे प्रिंट हो गया फाइव। ओके, फिर से जे की वैल्यू बढ़ेगी, जरूर बढ़ के हो जाएगी सेवन, जो कंडीशन है फिर चेक होगा, और इस बार जो कंडीशन है वो फॉल्स है, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। फिर से ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा यानी नेक्स्ट लाइन में फिर से प्रिंट होगा। ठीक है, फिर से यहाँ पे आई की वैल्यू बढ़ेगी, आई की वैल्यू बढ़ के होगी इस बार सेवन। ओके, इस बार होगा आई की वैल्यू सेवन, तो ये फिर से कंडीशन जो चेक करेगा, आई इज लेस देन इक्वल टू नाइन है या नहीं, जो कंडीशन है वो ट्रू है, तो लूप के अंदर जाएगा। फिर से यहाँ पे इनर लूप की कंडीशन चेक होगी, जे इज इक्वल टू वन, जे इज लेस देन इक्वल टू आई, आई का वैल्यू क्या है सेवन, यहाँ पे जे इज लेस देन इक्वल टू सेवन और यहाँ पे वन। ओके, जो कंडीशन है फॉर द फर्स्ट टाइम ट्रू है, तो जे प्रिंट होगा यानी यहाँ वन प्रिंट हो गया। फिर यहाँ पे बढ़ के जाएगी थ्री, फिर कंडीशन चेक होगा, अभी भी कंडीशन ट्रू है, तो फिर यहाँ प्रिंट हो गया जे यानी थ्री। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगा फाइव होने के बाद, जे प्लस टू होने के बाद, फाइव होने के बाद, तो कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो फिर यहाँ पे क्या प्रिंट होगा फाइव। फिर यहाँ पे जे की वैल्यू बढ़ेगी, बढ़ के हो जाएगी इस बार सेवन। सब सेवन होने के बाद फिर कंडीशन जो चेक होगा, जे इज लेस देन सेवन है या नहीं, जो कंडीशन है ट्रू है, तो फिर से यहाँ पे प्रिंट हुआ सेवन। फिर जो जे की वैल्यू है बढ़ के हो जाएगी नाइन। फिर से जो कंडीशन है वो चेक होगा, इस बार जो कंडीशन है वो फॉल्स है, तो ये प्रिंट नहीं होगा, ये फिर टर्मिनेट हो जाएगा, अब ये वाला स्टेटमेंट फिर एग्जीक्यूट हुआ, यहाँ पे प्रिंट होगा फिर से हमारा आउटपुट। ओके, फिर से यहाँ पे जे की वैल्यू बढ़ेगी, जे की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी इस बार सेवन प्लस टू नाइन। ओके, फिर से कंडीशन जो चेक होगा, आई इज लेस देन इक्वल टू नाइन है, जो कंडीशन है वो ट्रू है, फिर से जो चेक होगी, जे इज इक्वल टू वन, यहाँ पे लिखते हम जे इज इक्वल टू वन। ओके, जे इज लेस देन इक्वल टू नाइन है, ठीक है, तो फॉर द फर्स्ट टाइम जो कंडीशन है वो ट्रू है, तो फिर यहाँ वन प्रिंट हुआ। फिर फॉर द सेकंड टाइम जब यहाँ पे आई की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी थ्री, तो जो कंडीशन है वो अभी भी ट्रू है, फिर से चेक होगा, जो कंडीशन जे इज लेस देन इक्वल टू नाइन है यानी जो कंडीशन है वो ट्रू है, तो फिर से यहाँ पे क्या प्रिंट होगा जे यानी थ्री। ठीक है, फिर से यहाँ पे जे की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी फाइव। फिर जो कंडीशन है वो चेक होगा, जे इज लेस देन इक्वल टू फाइव नाइन है या नहीं, तो कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो फिर से यहाँ पे जे प्रिंट होगा यानी फाइव प्रिंट होगा। फिर से यहाँ पे जे की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी सेवन, जो कंडीशन है फिर चेक होगा, जे इज लेस देन इक्वल टू नाइन है या नहीं, जो कंडीशन अभी भी ट्रू है, यहाँ प्रिंट हो गया सेवन। ठीक है, फिर से जे की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी नाइन। फिर जो कंडीशन है वो चेक होगा, अभी भी कंडीशन ट्रू है, तो फिर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा नाइन। फिर जे की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी इलेवन। फिर जो कंडीशन है वो चेक होगा, पर इस बार जो कंडीशन है वो फॉल्स है, तो हमारा फिर से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो टर्मिनेट हो गया, और ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, मतलब हमारा आउटपुट फिर से यहाँ से आएगा। ओके, अब यहाँ पे फिर से आई की वैल्यू बढ़ेगी, आई की लास्ट टाइम वैल्यू थी नाइन, इस बार आई प्लस टू हो गया यानी इलेवन हो गया। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे जो कंडीशन है वो चेक होगा, आई इज लेस देन इक्वल टू नाइन है या नहीं, जो कंडीशन है वो फॉल्स है, देख लो इलेवन है, इलेवन नाइन से ना छोटा है ना इक्वल है, जो कंडीशन वो फॉल्स है, तो हमारा आउटर लूप भी टर्मिनेट हुआ, इन सब में से कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, और हमारा जो प्रोग्राम है वो खत्म, फाइनल आउटपुट हमारा यही आएगा। सो हमारा जो आउटपुट है वो इसी तरीके से आएगा। सो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा, अगर प्रोग्राम समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दे, और ऐसी कोडिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।